प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। वहीं मतदान से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पीएम की सभा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जुमलों से जनता तंग आ चुकी है और इसीलिए प्रधानमंत्री की सभा में पैसे देकर भीड़ जुटाई गई। खाचरियावास ने कहा कि नोटबंदी के मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी दर्शाती है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम की सभा में पूर्व सीएम राजे की मौजूदगी बीजेपी के अंदर की गड़बड़ी को जग जाहिर कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की सभा हुई जयपुर में, उस सभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के लिए जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ ले जाने के लिए बीजेपी को लोगों को पैसे देने पड़े और पैसे के दम पर भीड़ की गई। लोगों को पैसे दे देकर लोगों को इकट्ठा किया गया, पर व्यक्ति पैसे देकर बीजेपी को लोग इकट्ठा करना पड़े, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ से परेशान हैं। आम आदमी बहुत दुखी है। जब पिछली बार प्रधानमंत्री जी जयपुर में आए थे तो बहुत बड़े बड़े वादे करके गए थे, पिछले सारे वादे प्रधानमंत्री जी भूल गए। प्रधानमंत्री जी ने जो सभा की थी देश में, सब जगह एक ही मुद्दा लिया था और नारा दिया था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल का तो नाम भी नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई के ऊपर बात नहीं करते हैं। पेट्रोल डीजल और गैस, आज गैस सिलेंडर वापस महंगा हुआ है 6 रुपये। पेट्रोल डीजल और गैस के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, आम आदमी की परेशानी।